नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक साहनी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराएं और हमें क्या ध्यान देना चाहिए अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है। तो पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस आज की वीडियो में करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई की हो तो भाई सबसे पहले तो आप देख लेना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ सही हो। मतलब ऐसा नहीं कि आधार कार्ड पे कुछ और, पैन कार्ड पे कुछ और, मार्कशीट पे तो कुछ और ही, ऐसे नहीं चलेगा। सब कुछ सही हो तो आपको कोई भी इश्यू नहीं हो। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन हम कैसे कराएं। देखो, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपको कराना है तो जब आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन अपना खुद का करा लेते हो तो 72 आवर के बाद पुलिस वालों का कॉल आता है या फिर आप खुद पुलिस स्टेशन जाकर विजिट कर लो। अब कई बार ये होता है कि पुलिस वाले जो है आपसे रिश्वत मांगते हैं, कई बार बोलते हैं भाई खर्चा पाने के लिए पैसे दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो। ये क्या है, क्या हमें देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको उस कंडीशन में देना पड़ सकता है जब आपके डेटा में कुछ गलत है और वो आपको बोल रहे हैं भाई मैं सही कर दूंगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपका डन कर दूंगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको देना पड़े, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बट अगर लीगल तरीके से अगर आप जाओ तो आपको कोई भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई पुलिस वाला आपसे डायरेक्टली मांग सकता है। आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैं आपको क्यों पैसे दूं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं आपको पैसे दूं पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए। देखो, डायरेक्ट हम मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब आपकी फाइल मान लो कि पुलिस स्टेशन पर आ गई, तो या तो आपको पुलिस वाले कॉल करेंगे या तो आप खुद जाकर पुलिस थाने विजिट करो। अगर पुलिस वाले कॉल करते हैं तो वो आपको फोन पर बताएंगे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, पुलिस थाने पर आ जाओ। तो वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप पहुंच जाओ थाने पर। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि पुलिस वाले आपके घर पर वो खुद डायरेक्ट सामने से आ जाए बिना कॉल किए। तो उस कंडीशन में आपको घर पे रहना पड़ेगा और जब भी आप घर पे हो तो वहां पर घर से आप जैसे वो आपके जाते हैं तो वहां पर आपके घर बैठेंगे और आपके ऐसे मतलब फिजिकली आपका वहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा और वहां से आपके सारे डॉक्यूमेंट वो घर पे ही आपका चेक करेंगे। दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये है कि समटाइम्स आपको खुद पुलिस थाने जाना पड़ेगा अपना पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्योंकि कई बार पुलिस वालों के पास बहुत ही ज़्यादा काम होता है तो वो लोग थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, तो बिजी शेड्यूल उनका हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको खुद जाना पड़ेगा थाने और अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, जो भी आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट लेके गए थे वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया आपका हो गया, और वोटिंग कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओ पुलिस थाने। और अगर मार्कशीट भी अगर आप लगाए पासपोर्ट वेरिफिकेशन में तो अपना मार्कशीट भी ले लो। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप पहुंच जाओ अपने पुलिस थाने या फिर पुलिस वाले आ रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए। अब अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद पुलिस वाले मतलब आप जैसे थाने पर अगर चले जाते हो या फिर पुलिस वाले आपके यहाँ आते हैं तो वो आपसे कुछ साइन करवाएंगे और आपके आधार कार्ड का भी जेरोक्स एक्स्ट्रा वो लोग वहाँ पर उस टाइम पर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो वो लोग आप इतना रखो कि जब पुलिस वेरिफिकेशन कराना हो तो सारे डॉक्यूमेंट का आप जेरोक्स पहले से ही एक एक करा के अलग से रखो कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप वो आपसे मांगते हैं तो आप उसका जेरोक्स मतलब जो जेरोक्स वाला प्रिंट आउट कॉपी है उनको दे दो और ओरिजिनल कॉपी भी दो उनको, ताकि वो वेरीफाई कर सके, देख सके कि हाँ आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, कोई भी आपके पास फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपको रिटर्न कर देंगे लेकिन जो जेरोक्स रहेगा वो अपने पास रखेंगे और जेरोक्स वाले पर कई जगहों पर वो आपसे साइन कराएंगे कि भाई आप यहाँ पर साइन करो, यहाँ पर साइन करो, तो बस आपको साइन कर देना है। वो आपसे नाम पूछेंगे, आपके गांव का नाम पूछेंगे, आपके घर का है पूछ सकते हैं। अगर आप पुलिस थाने गए हो, अगर वो आपके घर गए तो आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम पूछ सकते हैं और घर के आजू बाजू में भी वो हो सकता है कि पूछेंगे भाई हाँ ये जो बंदा है यहीं का रहने वाला है कि नहीं। और एक चीज़ याद रखना कि अगर पुलिस वालों को अगर वो आपके घर पर गए और आपके ऊपर डाउट उन्हें हो रहा है कि भाई उन्हें लगता है कि आप तो यहाँ के हैं नहीं, आप कहीं और के, आजू बाजू से अगर उन्हें पता चलता है, कैसे भी पता चलता है कि आप यहाँ के प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा दौड़ना पड़े, हो सकता है कि वो आपसे और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे,
तो जो भी अगर उन्हें डाउट होता है तो जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं तो उस कंडीशन में आपको वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जब सक्सेसफुली पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे तभी आपका पासपोर्ट आपके पास आएगा। अगर पुलिस वालों ने पेंडिंग में डाल दिया और आपकी फाइल को आगे भेज दिया तो आपका पासपोर्ट कभी नहीं आएगा। आपका पासपोर्ट फिर तब आएगा जब आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर वहां जाओगे, फिर वहां से आपकी फाइल फिर से पुलिस वालों के पास आएगी, फिर से वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर दोबारा से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो उससे अच्छा है कि पहली बार में जब वो आ रहे हैं और जो जो भी डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप उन्हें दे दो और अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लो पासपोर्ट का सही तरीके से, और उनके तरीके से उनसे जो है आप थोड़ा फ्रेंडली बात करो और रिश्वत वगैरह मत दो भाई। अगर नाम वगैरह गलत है तो उस कंडीशन में आप समझो देना है कि नहीं देना है, लेकिन नाम वगैरह सही करा के ही आप पासपोर्ट भी अप्लाई करो। तो ये सारे तरीके और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ सकता है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराने के समय, और पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से अगर आपका हो जाता है तो 5 to 10 days के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपके पास आपके घर तक पहुंच जाएगा। 5 to 10 days के अंदर, समटाइम्स हो सकता है कि 3 दिन के बाद भी पहुंच जाए, लेकिन 5 to 10 days, 15 days के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपके पास पहुंच जाएगा। अगर मैं खुद की बात करूं तो भाई मेरा पासपोर्ट टोटल पासपोर्ट वेरिफिकेशन से लेकर जो है मेरा 12-13 दिन के अंदर अंदर मेरे घर पर मेरा पासपोर्ट आ गया था। तो आपका भी पासपोर्ट आ जाएगा उतने टाइम में, अगर कोई इशू नहीं होता है आपके डेटा के साथ, कोई भी इशू नहीं होता है, कोई केस आपके ऊपर नहीं मिलता है, सब कुछ सही रहता है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा होगा कि पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराएं और प्रोसीजर क्या होता है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने पड़ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना ही मेरा काम है। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।